लाहौर के आश्रम तथा वहां के भक्तों का वर्णन। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। एक दिवस प्रभु चरण में आए सज्जन खास, कहा प्रभु के पास उन हमारा लव पुरवास। यदि लाहौर में आपका एक आश्रम बन पाए, वहां की जनता नाथ जी उससे लाभ उठाए। उनकी मति पे प्रभु विचारा, गोपालानंद को वचन उचारा, संग मुलख के तुम चली जाओ, लवपुर में जा देख के आओ। उपयुक्त जगह यदि मिल पावे, वहां भी शाखा एक खुल जावे। राजधानी वह नगर महान, जनता का वहां हो कल्याण। गोपालानंद संग सज्जन आए, स्थान कई उनने दिखलाए। एक भवन उसके मन भाया, मुलख राज भी वही सराहया। वाटर वर्क्स के पास मकान, आश्रम खोले प्रभु जहां आन। लौट प्रभु जी को बतलाया, नाथ भवन एक है हम पाया। हमरे संग अब आप पधारें, अपने चरण कमल वहां डारें। 1931 प्रभु पधारे लाहौर, प्रभु की आशीष पाय कर, बना आश्रम उस ठौर। प्रभु जी आश्रम लाहौर बनाया, वाटर वर्क्स समीप चलाया। बहुजन साधन हित थे आते, ध्यान समाधि भी कुछ पाते। आचार्य गोपालानंद बनाया, तन मन से उस कार्य चलाया। कुछ वर्ष उस लाहौर बिताए, प्रभु आज्ञा से ग्रंथ छपाए। योग सिद्धि उस लिख छपवाई, नेति पर पुस्तक लिख पाई। कीर्तन का उस कीन प्रचार, योग भक्ति का भया संचार। कुछ काल कर इस विध काम, मुरादाबाद गए निज धाम। श्री मुलख राज फिर भये आचार्य, सेवक लिखे क्या उनका कार्य। तन्मयता जो उन दिखलाई, देखन सुनन में कहीं न आई। मुलख राज के काम का वर्णन किमि हो पाए। कर्म करें जब योगी जन,
कर्म योग कहलाए। कर्मयोगी संसार में करते कर्म अनूप, दिव्य कर्म उनके कथे कौशल परम स्वरूप। आत्मलीन मुलख रह पाते, आश्रम का भी कार्य चलाते, साधन योग के उन्हें करावें, जन जो आश्रम में चली आवें। रविवार को सत्संग करते, अमृत वचन भक्तन मन भरते, साध्य असाध्य रोगी जन आवें, होए स्वस्थ आश्रम से जावें। जन जिज्ञासु भी जो आते, मुलख राज से ज्ञान वे पाते, मुलख राज की ख्याति भारी, सारे लवपुर में विस्तारी। बाल वृद्ध वायुवक भी सारे आकर करते साधन सारे, नेति धोती वे कर पाते, भिन्न भिन्न आसन सभी लगाते। दाल चने की बिल्कुल कच्ची, अथवा सेरों सब्जी कच्ची, कई सेरों में दही मलाई, साधकों ने नित खा दिखलाई। सेरों सब्जी खाय कर, करते जीवन तत्व, तन में सभी जनन के बढ़े जीवन का तत्व। नव युवक कुछ ऐसे आते, प्राणायाम को करवे पाते, अंग अंग भर लेते श्वास, मन में धार के दृढ़ विश्वास। कीलों पर वे लेट दिखावें, छाती ऊपर शिला रखावें, शिला हथौड़ों से कुटवावें, इस विद योग की शक्ति दिखावें। ध्यान हेत कई भक्त थे आते, दीक्षित आश्रम से हो पाते। वृत्ति एकाग्र जब हो पाए, भस्त्रिका तब चल दिखलाए। होता मन वा प्राण का मेल, मानो चढ़ती तब थी खेल। प्रभु चरणों में चित्त रम जाता, साधक देह की सुधि विसराता। देह की सुधि विसार कर, ध्यान में रहता लीन। गुरु कृपा जब जन गहे, बनता दीन अदीन। लवपुरी जो नगरी भारी, निज शक्ति तहां प्रभु विस्तारी। जगह जगह आश्रम खुलवाए, भेद प्रभु का ना कोई पाए। जिस जिस धरती का संस्कार, उस उसका प्रभु की न उद्धार।
कलकत्ता मंदिर आश्रम लाए, भक्त जनों के मन हर्षाए। वहां की जनता सुख बहुमाना, साधन हित अब दूर न जाना। ऐसे साधन प्रभु करावें, रोगिन के जिमि रोग दुरावें। चंचल चित्त को करते शांत, आता जन जब कोई भ्रांत। जन जब आर्त कोई आ जाता, प्रभु से सुख को वह था पाता। अर्थार्थी जो चली आवे, प्रभु कृपा से संपद पावे। जो जिज्ञासु आता शरणी, पाकर ज्ञान वह लगता चरणी। प्रभु चरणों में आकर, पावे नर विश्राम। आध व्याध से जो दुखी, वे पाते आराम। कलकत्ता मंदिर रह कुछ काल, स्थान बदला फिर प्रभु दयाल। लाहौरी गेट के अंदर आए, बहु भक्त वहां आनत राए। बाल युवा वा वृद्ध थे आते, मुलख राज साधन करवाते। दूर दूर से रोगी आवें, साधन कर स्वास्थ्य को पावें। देह पर साधन का प्रभाव, करता मन के भी शुद्ध भाव। चित्त वृत्ति का करत निरोध, उपजत अंतर में सद्बोध। घट में ज्योत ईश का अंश, योगी प्राप्त करे बन हंस। सब साधन श्री मुलख कराते, प्रभु आज्ञा पा काम चलाते। प्रभु आज्ञा से मुलख जी, सबन सिखावे योग। तन से मन से जो दुखी, सुखी भए वे लोग। लाहौरी गेट काल बिताया, फिर शाहलमी आश्रम लाया। परी महल कूचे का नाम, वहां बना आश्रम सुख धाम। घनी आबादी पास बाजार, करावे योग जगत आधार। वन से चल बस तिन में आना, घन आबादी योग सिखाना। योग गृहस्थी जिमी अपनावे, राम योगेश्वर तिमि कर पावे। सेवक का उस आश्रम से प्यार, जहां मिले थे जगदाधार। सदगुरु मुलख राज जी स्वामी, कीना सेवक जहां अनुगामी। उस आश्रम का दृश्य अनूप, सेवक मन ही निरंतर गूप। सेवक के मन प्यार है,
प्रभु चरणों के माही। भव बहते इस जीव को लीना जिन उतराही। ऋषि केश थे प्रभु जी रहते, छेरटे में भी आवे पाते। कभी लाहौर होत था आना, भक्त जनों को नित अपनाना। किस किस भक्त का करूं बखान, अनेक तरे पा प्रभु से ज्ञान। गुज्जर मलवा काला राम, सोहन लाल भी भक्त ललाम। श्याम लाल भी प्रभु के प्यारे, गीत रचे जिन योग के न्यारे। लाला हुकम चंद भी आया, आश्रम की सेवा कर पाया। मास्टर लक्ष्मण दास बखानू, गूढ़ भक्त मैं उसको जानू। न्यामत राय वकील था भारी, प्रभु चरणी भई प्रीति न्यारी। कृष्ण देव का करूं बखान, जानू उसकी सेव महान। उसने सेवक को सिखलाए, नेति धोति साधन मन भाए। योग के साधन जो सभी, षट कर मन में आए। कृष्ण देव जी प्रेम से, दीने मुझे सिखाए। और भक्तन का करूं बखान, जिनका मुझको है कुछ ज्ञान। दीनानाथ पराशर जानू, सेवक परम प्रभु का मानू। बेनी प्रसाद जैनी एक भाई, उसने भी प्रभु सेवक माई। मानक चंद कपूर बखानू, प्रभु सेवा में आया मानू। पारसनाथ प्रभु का प्यारा, बहुत काल प्रभु सेव गुजारा। अनन्य भक्त कुछ और बताऊं, प्रभु सूरज की किरण जताऊं। माधो राम का करूं बखान, प्रभु भक्तों में गणन महान। भक्त शिरोमन चंद्र मोहन, योग भक्ति का जानू भौन। सब साधन का भौन जो, चंद्र मोहन प्रवीण। प्रभु प्रेम के रंग रंगा, रहत वह साधन लीन। दूर से बालक एक चले आया, नृसिंह मूर्ति जो प्रभु मन भाया। मद्रासी बालक परम सुयोग, प्रभु चरणी लग की ना योग। वज्रौली कर्म प्रभु सिखलाया, बना योगी तब देश घुमाया। मथुरा दास भक्त था एक, जसवंत भी लीनी प्रभु की टेक।
मलहन साहब अंग्रेज ईसाई, प्रभु चरणी लग की न कमाई, नेति किरिया उसने कीनी, नजले से उस मुक्ति लीनी, ध्यान दर्शन का बन अधिकारी, सुख पाया उस योग से भारी, एक भक्त का करूं बखान, कुंदन लाल जिसका अभिधान, सेवक बन उस सेवक माई, सेवा की उसे मिली बढ़ाई, लाल चंद भी भक्त शिरोमण, जिसने सेव में अर्पा तन मन। श्री प्रभु राम लाल जी की जय, शरणम श्री सद्गुरुदेव जी की जय, शरणम। भक्त नारायण दास। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम मुलख प्रभु जी जग सुखकारी। तन मन धन जन अर्पा, ऐसे भक्त अनेक, नाम लिखे कुछ एक के, सबको प्रभु की टेक। भक्त नारायण दास था, उसका करूं बखान, ध्यान भजन जिसका कर्म, उसका भाग्य महान। ऋषिकेश आश्रम में रहता, ध्यान में ही निज काल बिताता, एक दिवस वह प्रभु के संगा, करने भ्रमण गया जब गंगा, ब्रह्मपुरी तक चल कर आए, वन की शोभा में चित लाए, दृश्य अनेकों परम मनोहर, बता सके को उनको लिख कर, स्थान अनेक प्रभु दिखलाए, नारायण दास निरख विसमाए, पावन थल सब परम सुहाने, निरख निरख वह सुख को माने, इस विध काल बहुत वित पाया, सूर्य अस्त होने को आया, कहा प्रभु अब लौट के जाएं, मार्ग दीर्घ चल दिखलाएं, मार्ग दीर्घ है पड़ा, अस्ताचल पर भान, लौट चले ऋषिकेश को, शीघ्र चल नारायण। नारायण कहा प्रभु महाराज, चलना कठिन भया है आज, क्षत भय हैं पाँव मेरे, उनमें कंटक चुभे घनेरे, आपकी शक्ति से चल पाऊं, अथवा मैं तो हार ही जाऊं, हे नारायण प्यारे, अब तो निकले नभ पर तारे,
मार्ग भी दिखत ना भाई, निशा काल वन हो भयदाई, पैर ठाव कुठाव पड़ जाता, सीधा मार्ग नहीं दिख पाता। मैं जानू हम मार्ग भूला, दिखत कहीं ना लक्ष्मण झूला, प्रभु की माया प्रभु ही जाने, निशा काल जो वन ही बुलाने, निशा काल वन में खड़े भक्त नारायण साथ, दिव्य रूप प्रभु का सिमर सेवक वर्णत गाथ, नारायण के ना पग चलत सूझत मग भी नाही, उस असमंजस में प्रभु कहा भक्त के ताही। हे नारायण ध्यान लगावो, प्रभु को अब तुम मन में ध्यावो, नेत्रों को तुम राखो मीच, बने सहायक प्रभु इस बीच, तब नारायण आज्ञा मानी, नेत्र बंद बना वह ध्यानी, सिमरे प्रभु को लाकर चीत, संकट काल बने जो मीत, प्रभु से बड़ा नमीत है भाई, भीड़ पड़े जो बनत सहाई, नारायण ने उसको ध्याया, जिसने संग था उसको लाया, उसी का मन में की ना ध्यान, संग खड़ा जो ब्रह्म महान, शीघ्र कान पड़ी फिर वाणी, आंख उघाड़ो अब तुम ध्यानी, आंख खुली तो था खड़ा आश्रम के वह बाहर, संग प्रभु भी थे खड़े खट खट करते द्वार, द्वार खुला भीतर गए थी नालेश थकान, प्रभु कृपा जब होत है काम हो इसी समान, प्रभु कृपा का नाही अंता, शास्त्र कथन करें बे अंता, सूर्य एक प्रतिबिंब अनंत, एक जगदीश संत बे अंत, जिन संतों ने प्रभु को ध्याया, निरंजन का उन दर्शन पाया, खिन खिन रहे प्रभु उनके संग, दुखी न हो संतन के अंग, नारायण दास का यह इतिहास स्मरण करे जो नर बे आस, आस किरण उसको दिख पावे, प्रभु कृपा का भानु लखावे, प्रभु कृपा है भानु समान, अथवा मेघ में तड़ित महान, निराशा की घन घोर घटाएं जब जीवन पर आकर छाएं,
स्मृति तार जो तब हिल पाए, प्रभु चरणी मन युक्त हो जाए। अंतर बाहिर हुए उद्योत, प्रभु कृपा की जागे ज्योत। प्रभु कृपा की ज्योत से नशे दुख अंधियार, रे मन निद्रा त्याग दे, प्रभु खड़े तव द्वार। प्रभु खड़े तव द्वार पर, ग्रह दृढ़ता से टेक, एक चित्त हो ध्यान कर, वृत्ति समेट अनेक। श्री प्रभु राम लाल जी की जय। शरणम श्री सद्गुरु देव जी की जय। शरणम